अरे सुनो गणपति, रामचंद्र जी के लिए खाना गया क्या? अरे ऐसे भाग के क्यों आ रहे हो तुम? उस दिन रामस्वामी के साथ एक आदमी आया था ना बुकिंग के लिए, क्या? जिसको आपने मना किया था। हाँ मना किया था, लेकिन गणेश की बात सुनकर हाँ कह दिया। हाँ तो आज रात हम लोग वहाँ मंडप में गए थे सामान रखने के लिए। हाँ वहाँ एक इनविटेशन कार्ड देखा। ठीक है, वो हमारे घर का इनविटेशन कार्ड है। हमारे घर का? क्या बोल रहे हो ये, मैं कुछ समझा नहीं। अरे लड़की वाले खाने का ऑर्डर हमें दे के गए। नहीं नहीं ऐसे कैसे, लड़की वाले हमारे पास ही आके हमें खाना बनाने के लिए कहेंगे क्या? कहेंगे नहीं, और कहना भी नहीं चाहिए, पर यही हुआ है। अरे भला एक मंडप में दो शादी होंगी? हाँ क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे गणेश इधर आओ, देखो ये क्या बोल रहे हैं। क्या है पापा? उस दिन एक आदमी 1 मार्च की शादी के लिए एडवांस देकर यहाँ बुक करके गया था, याद है ना? हाँ हाँ। वो किसी और की शादी नहीं, तुम्हारी शादी है। ये क्या बोल रहे हैं पापा? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, यही बोल रहा है। ये सीधे मंडप से ही आ रहा है, ये तो मंडप देखने गया था, उधर जाने के बाद पता चला है कि हमारे घर की शादी है। मुझे लगता है ये सब ब्रोकर नहीं किया होगा, रामा स्वामी ने बुक किया ना। जाओ उन्हें बुला कर लाओ। ये क्या है, एक काम करो पहले ससुर को फोन लगाओ, उन्हें पता है कि नहीं, देखते हैं। हे गणेश ये तो इधर ही आ रहे हैं, मुझे तो कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। आइए आइए। नमस्ते। नमस्कार, आप तो बड़े परेशान लग रहे हैं। एक गलती हो गई है, ब्रोकर को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, खाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया मैंने पूछा नहीं, यही गलती हो गई मुझसे। वही गलती इधर भी हो गई है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका था, ब्रोकर ने हमें बताया ही नहीं है। एक बार फिर से माफ कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो वापस लेता हूँ। घर की पहली शादी है इसलिए मुझे अनुभव नहीं है, इसलिए आप जैसा कहेंगे मुझे मैं बस वैसा ही करूंगा। कोई बात नहीं, आप ज्यादा परेशान मत होइए दामाद जी, लेकिन देखिए उसने आपसे एडवांस पैसे तो ले लिए हैं, अब हम पीछा नहीं कर सकते हैं उसका, वो हमारे धंधे का उसूल भी नहीं है। अभी तो वो है नहीं, और कल ही रिसेप्शन है, और सुबह ही सब कुछ चाहिए होगा। अभी आप दूसरे के पास जाएंगे तो कोई भी नहीं मिलेगा, अभी शादी का सीजन भी है, तो क्या करें? देखिए आपके और मेरे बीच का रिश्ता वो अलग बात है, और होटल में कॉन्ट्रैक्ट देना ये अलग बात है, दोनों में तो आप ही है ना। आप ऐसा मत सोचिए, आपने हमें पैसा देकर बुक किया है, सभी रिश्तेदारों को अच्छा खाना लगे, मुझे ऐसा कुछ करना है वो आनंद भवन करेगा। सही कहा ना पापा? बहुत अजीब लग रहा है गणेश, हम लोगों को ही कुछ करना होगा। हाँ करेंगे। फिर मैं चलता हूँ। आप कॉफी पीकर जाइए ना, बाद में पी लेंगे। देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत रखिए आप। समधे जी, गणेश बचपन से ही इस होटल को संभाल रहा है, इसकी सोच सांस सब कुछ आनंद भवनी है। अब देखिए इसकी शादी का ही खाना इसके ही होटल में अरेंज हो गया, आप परेशान मत होइए, हम सब देख लेंगे। पापा हाँ, अगर ये बात घर पे पता चली तो सब परेशान हो जाएंगे ना। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? वो ये सब गलती से हो गया ना, हमें तो पता चल गया, लेकिन हमारे घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर ये बात जीजा जी को पता चल गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फिर तो जो हुआ है उसे ऊपर वाले का आशीर्वाद समझो, साधारण लड़के के घर वाले शादी में ही पहले गलती खाने में ही ढूंढते हैं। हाँ अब खाने की जिम्मेदारी हमारी है ना, किसको गलत बोलेंगे। सब भगवान पे छोड़ दो, आओ।